बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ 12th क्लास केमिस्ट्री का वो मैं पेपर शेयर करूंगा, वो सवालात आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि इंशाल्लाह ताला आप लोग उसे लाजमी तौर पे पूछे जाएंगे। अगर आपने पूरा साल केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं है, सिंपल आप लोगों ने यह वीडियो देख लेनी है। इस वीडियो के अंदर जो सवालात मैं आपको बताऊँगा आपने उनको अच्छे से कर लेना, इंशाल्लाह ताला आप लोगों का पेपर 100% कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, और अगर चैनल पर नए हैं लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले ये आप लोगों की बुक है अभी सेकेंड ईयर की 12th क्लास केमिस्ट्री की। सो पहला पोर्शन इनऑर्गेनिक का है, अगला पोर्शन ऑर्गेनिक का है। तो ऑर्गेनिक का पोर्शन जो है उसमें से तकरीबन 60+ नंबर का पेपर जो है वो आता है, टोटल 85 होते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 से मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, जो पिछले चैप्टर्स हैं उनमें से परसेंटेज कम आती है। तो चैप्टर नंबर 7 आपने सबसे पहले ओपन करना है। चैप्टर नंबर 7 आप लोगों का जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, यहाँ से है पेज नंबर 118 से। तो सबसे पहले आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी है, सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये आप लोगों ने करने हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इस तरीके के सोलिबिलिटी है, आइसोमरिज्म है। फिर आपने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनके अंदर से 2 या 3 कर लें, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इसमें से 2 कर लें, इनफ है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इसके अंदर ओपन चेन, क्लोज्ड चेन, ठीक है, ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन, ठीक है, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, ये सारे आते हैं, आपने अच्छे से करने हैं। ये लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाजमी तौर पे आपने ये टॉपिक करना है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन करनी है, कोई से 2 फंक्शनल ग्रुप याद कर लेने हैं, अल्कोहली का कर लें, कीटोन का कर लें, एल्डिहाइड का कर लें, और उनके आपने फंक्शनल ग्रुप भी याद कर लें जो उनका फॉर्मूला टाइप होता है वो वाली चीज़। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन है, व्हाट इज़ मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन, ये तीनों करने हैं, तीनों लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, लाजमी तौर पे आपने ये करने हैं, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह आपका पेपर सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद आइसोमरिज्म की डेफिनेशन करनी है और उसकी 2 टाइप्स आपने कर लेनी है, ठीक है, जैसे ये मेटामरिज्म है, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर से। उसके बाद चैप्टर नंबर आप लोगों का 8 है, इसके अंदर से आपने नोमिक्लेचर करने हैं, ठीक है, IUPAC नेम्स आपने करने हैं, ठीक है, इनको किस तरीके से नेमिंग की जाती है ये रूल्स आपने करने हैं, ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करनी है एल्केन की, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड ये वाला टॉपिक आपने करना है। उसके बाद अल्कीन्स पे आना है, यूजेज ऑफ मिथेन ये आपने करना है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट करना है अल्काइंस, ठीक है, यूजेज ऑफ इथेन, अल्काइंस की डेफिनेशन करनी है, इनकी प्रिपरेशन भी देख लीजिएगा, 1 या 2 प्रिपरेशन जो है वो पेपर में लाजमी तौर पे पूछी जाती हैं। सो उसके बाद यूजेज ऑफ इथाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद अगला चैप्टर है आप लोगों का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये वाला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सो ये भी आप लोगों ने लाजमी तौर पर चैप्टर करना है। सो इसके अंदर से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बेंजीन की डेफिनेशन, ठीक है, कैक्यूल स्ट्रक्चर, उसके बाद आप लोगों ने करना है रेजोनेंस मेथड, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन इन लेबोरेटरी, नाइट्रेशन करनी है, वर्ज फिटिंग रिएक्शन ये आपने करना है। सो उसके बाद SN1 और SN2 रिएक्शन होंगे वो आपके साथ शेयर करते हैं, फ्राइडल क्रैफ्ट रिएक्शन ये आपने करना है। उसके बाद आपने करने हैं जी नेक्स्ट, हाँ, इस चैप्टर के अंदर से ये चीज़ें करनी है और एक्सरसाइज के अंदर जितने सवाल आते हैं आपने वो कर लेने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 पे आना है, अल्काइल हैलाइड वाला डेफिनेशन करनी है, इसके 2 मेथड करने हैं आपने। उसके बाद SN2 और SN1 रिएक्शन, ठीक है, ये आप लोगों को दिखला होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन जो रिएक्शन है वो वाले, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपने लाजमी करने हैं लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए, SN1 और SN2। उसके बाद बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, इसके अंदर E1 और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन जो है दोनों करने हैं आपने। ग्रिंगेंट रिएजेंट आपने करना है,
ठीक है। और इसके साथ एक्सरसाइज के अंदर जितने सवाल आते हैं ये करने हैं, जो चैप्टर के अंदर से जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपने अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर वाला पोर्शन जो है वो आप लोगों ने करना है। अल्कोहल की डेफिनेशन करनी है, इसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, फ्रॉम ऑल एलसीज डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये पोर्शन आपने करना है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट जाना है जी यूज ऑफ अल्कोहल पे, ठीक है, राइट एनी टू यूज ऑफ अल्कोहल, इस तरीके से वो पेपर में लाजमी तौर पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद इस एक्सरसाइज के अंदर से, इस चैप्टर के एक्सरसाइज के अंदर जितने सवाल आते हैं वो कराने, बाकी चीज़ें आप लोग चॉइस के अंदर छोड़ सकते हो। सो चैप्टर नंबर 12 है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, ठीक है, इनकी डेफिनेशन करनी है, इनका फंक्शनल फॉर्मूला करना है, फंक्शनल ग्रुप होता है वो वाला। उसके बाद आप लोगों ने करना है जी नेक्स्ट कैनिजर रिएक्शन, ठीक है, अल्डोल रिएक्शन, ये लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। उसके बाद आप लोगों ने करना है भाई कैटालिटिक रिडक्शन, यूजेज ऑफ फार्माएल्डिहाइड एंड यूजेज ऑफ एसिटाएल्डिहाइड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले दोनों। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भाई, इसके अलावा एक्सरसाइज के अंदर जितने सवाल आते हैं वो लाजमी करने हैं आपने। उसके बाद कार्बोक्सैलिक एसिड है, चैप्टर नंबर 13 है आप लोगों का कार्बोक्सैलिक एसिड का। तो इस चैप्टर में से आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। सो इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एस्टिक एसिड फॉर्मूला उसका, ठीक है, इसी तरह उसके यूजेस याद करने हैं आपने, अमाइनो एसिड की डेफिनेशन करनी है, और इसी तरीके से आप लोगों ने एसेशनल और नॉन एसेशनल अमाइनो एसिड्स ये आपने करना है। बाकी इसके साथ आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड ये करना है, और एक्सरसाइज के सवालात करने हैं बस। मैक्रोमॉलिक्यूल है, मोनोमर्स की डेफिनेशन, ठीक है, मैक्रोमॉलिक्यूल, माइक्रोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलीमर, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, थर्मोपॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, सारे करने हैं आपने। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स, ठीक है, वो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, सारी करनी है। इसके सोर्सेज करने हैं, इसी तरीके से प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन का आप लोग सिंपल जो है वो डेफिनेशन कर लें यहाँ से। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन ये करना, लिपिड्स की डेफिनेशन, इसका सोर्सेज। उसके बाद स्पोनिफिकेशन नंबर आपने करना है, व्हाट इज स्पोनिफिकेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने आना जी एंजाइम पे डेफिनेशन करनी है, एंजाइम की टाइप्स करने हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम लाजमी तौर पे। फिर आपने भाई यहाँ से इस चैप्टर के अंदर यही करना है, और एक्सरसाइज के अंदर जितने सवाल आते हैं वो कर लेने। बाकी है कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, इसके लिए आपने यूरिया वाला टॉपिक पूरा करना है, वो फर्टिलाइज़र वाला, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में कहाँ कहाँ लगी हुई हैं ये आपने करना है। उसके बाद आप लोगों ने इस चैप्टर में से जब इतना पोर्शन ही करना है, फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, इसके आप लोगों ने एक्सरसाइज के अंदर जितने सवाल आते हैं वो कर लेने। इंशाल्लाह ताला आप लोगों का पेपर 60-70 नंबर का इसमें से हो जाएगा, बाकी जो 10-20-25 नंबर का पेपर है वो पिछले चैप्टरों में से आएगा। तो भाई ये पेपर था आप लोगों का जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इंशाल्लाह जिस बच्चे ने इसको तैयार कर लिया उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, अल्लाह करे आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो जाए और आप सभी लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले लें। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियाँ दें, और अल्लाह करे तमाम बच्चे अच्छे नंबर इस सब्जेक्ट के अंदर ले लें, बिकॉज ये थोड़ा सा टफ है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपके साथ मजीद MCQs वगैरह और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी शेयर कर दी जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी वीडियोस भी आप लोगों तक पहुंचते रहें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।